Good morning, all of you. I welcome you all on the MCIT digital platform. BSc third year paper core data पढ़ रहे थे हम. Previous class में हमने किसके बारे में पढ़ा था? लेबियो के बारे में, जो कि एक ऑस्टेक्थीज का मेंबर है, यानी कि बोनी फिश का मेंबर है. इसके बारे में हमने एक सिस्टमैटिक पोजिशन के बारे में बताया लगाया था कि किस पोजिशन पर क्लासिफाई होती है. सेकेंडली हमने इसके अलावा इसके हैबिट एंड हैबिटेट की बात की थी कि किस रीजन्स में रहती है, इसकी स्पीशीज़ कैसी है, ज्योग्राफिकल एरिया कैसा है, एंड इसी के साथ इसके एक्सटर्नल फीचर्स को हमने कंसिडर किया था. नाउ हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, यानी कि इनका जो पाचन तंत्र है वो किस तरह से प्रेजेंट रहता है, किस तरह से उपस्थित होता है. पाचन तंत्र की जब भी हम बात करते हैं तो हम पाचन तंत्र को, जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, हम पाचन तंत्र को डिफरेंट भागों में, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट. जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा यहाँ पर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आते हैं, यानी कि ऐसे अंग जिनसे पाचन हो पाता है, जिनसे डाइजेशन प्रोसेस कंटिन्यू रह पाता है, राइट. इसमें हमारा पूरा सिस्टम आ जाता है, यानी कि पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल. इसके बाद इससे रिलेटेड, इससे एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स होते हैं, राइट, जिन्हें हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये आ जाएंगे. और लास्टली हम बात करते हैं डाइजेशन की, राइट, पाचन क्रिया की, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन की, किस तरह से डाइजेशन क्रिया होती है, राइट. नाउ डाइजेस्टिव ऑर्गन से पहले हम लेबियो के फूड को कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमने बोला है, राइट, कि जो लेबियो है वो किस टाइप का फूड लेती होगी. पहली बात तो हमने बोली थी कि ये फ्रेश वाटर में रहते हैं और इसी के साथ ये बॉटम फीडर्स हैं, राइट. मोस्ट प्रोबेबली ये नीचे की तरफ रहेंगे, तल जो होता है पॉन्ड्स का, राइट, क्योंकि फ्रेश वाटर है तो पॉन्ड्स में, रिवर्स में, राइट, एस्चुरीज में इनकी ओरिजिनेशन उपस्थित हो सकती है, वहाँ पर इनकी उपस्थिति देखी जा सकती. लेकिन क्योंकि हमने बोला बॉटम फीडर है तो ये नीचे की तरफ ही रहकर अपना फूडन लेती हैं, राइट. सेकेंडली हम ये भी बोलते हैं कि ये जो हैं ये हर्बीवोरस हैं, यानी कि ये ग्रीन प्लांट्स को ही एज अ फूड इंजेस्ट करेंगे, राइट. ग्रीन प्लांट्स को ही ये एज अ फूड लेंगी और इसीलिए हम इन्हें हर्बीवोरस कह रहे हैं, यानी कि ये कार्निवोरस बिल्कुल भी नहीं है, इनमें कार्निवोर वाले कैरेक्टर्स प्रेजेंट नहीं होते, ये मांसाहारी नहीं है, ये सिर्फ प्लांट्स को, पत्तियों को, राइट, पौधों को एज अ फूड इनटेक करते हैं. नाउ फूड के बाद बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, यानी कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की. आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल. आहार नाल को जब भी हम कंसिडर करते हैं इसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट. जैसे अगर हम बात करते हैं, स्टार्टिंग होती है इसकी माउथ से एंड इसका जो एंडिंग है वो एनस से होती है, यानी कि माउथ, देन बक्कल कैविटी, ठीक, बक्कल कैविटी के बाद फैरिंग्स, राइट, फैरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक आना चाहिए, लेकिन स्टमक को हम इंटेस्टाइनल बल्ब के नाम से जानते हैं, वो हम देखेंगे क्या कैसा स्ट्रक्चर है. देन सिक्स्थ इंटेस्टाइन, देन सेवेंथ रेक्टम, एंड लास्टली इज
एनस, यानी कि माउथ से तो स्टार्टिंग है और एनस पे इसकी एंडिंग होती है। एक बार हम जब स्ट्रक्चर देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का तो हमें और इजीली क्लियर होती है चीज़ें, तो हम स्ट्रक्चर को एक बार कंसिडर कर लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसे प्रेजेंट, राइट। एक फिश का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, और इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमें पता चल जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल कैसा है, किस तरह से प्रेजेंट है। राइट। यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि इस साइड पे स्केल्स प्रेजेंट होंगे, राइट। स्केल्स की प्रेजेंस देखी जाती है, राइट। बात करते हैं अपर रीजन की, ठीक है। ये जो है ये स्किन कवर है, तो इस तरह से ये स्किन कवर ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। बीच वाला रीजन अब अभी हम अभी देख लेंगे कि किस तरह से ये प्रेजेंट होता, राइट। नाउ जब हम बात करते हैं डिफरेंट पार्ट्स की, तो यहाँ से माउथ स्टार्ट होता है, राइट। माउथ से यहाँ पे हम देखेंगे फेरिंग्स रीजन प्रेजेंट होगा, राइट। इस तरह से रीजन प्रेजेंट होगा। फेरिंग्स रीजन की जब भी हम बात करते हैं तो फेरिंग्स रीजन डिवाइडेड होता है डिफरेंट रीजन्स में, राइट। और इस तरह से हमें डिफरेंट एरियाज इस रीजन में दिखाई देते हैं कि किस तरह से यहाँ पे गिल्स भी प्रेजेंट रहते, राइट। नीचे की तरफ आते हैं तो फेरिंग्स रीजन से ईसोफेगस पार्ट, और ईसोफेगस पार्ट से कार्डियक पार्ट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। यहाँ से स्टमक रीजन, और जब हम इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो इंटेस्टाइन बहुत कॉइल्ड रीजन होता है, राइट। इसमें बहुत ज़्यादा कॉइलिंग पाई जाती है, जैसा कि हम देखते हैं, ठीक है। इस तरह से कॉइलिंग होकर ये एंड में इस तरह से ओपन हो जाता, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल शो हो रहा है। अब जब पार्ट्स की बात करते हैं तो ये है माउथ, माउथ के बाद बकल कैविटी यहाँ दिखेगी, और यहाँ पर ये डिफरेंट पैपिला स्ट्रक्चर्स हैं, राइट। ये
बक्कल पैपिला यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, यानी कि मुख में अगर पैपिला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो बक्कल पैपिला। ये फैरिंग्स रीजन है पूरा, ठीक है, ये गिल्स प्रेजेंट है यहाँ पर, राइट। ये जो है ये न्यूमैटिक डक्ट है, ठीक है, यहाँ पर लिवर की लोब्स प्रेजेंट रहेंगी दोनों साइड, ठीक है। और नीचे की तरफ यहाँ पर हम देखेंगे कि एयर ब्लैडर जैसा कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, राइट। ये जो है इंटेस्टाइनल बल्ब होगा, ये क्योंकि इंटेस्टाइन है, ठीक है, इंटेस्टाइन है तो ये इंटेस्टाइन पार्ट हुआ, ऑलराइट। देन ये रेक्टम पार्ट हुआ एंड ये हुआ एनस, ठीक है। ये हुआ ईसोफेगस पार्ट और ये हुआ हमारा फेरिंग्स रीजन, राइट। तो इस तरह से डिफरेंट रीजन्स में ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये डिवाइडेड है, राइट। पाचन तंत्र जो है ये इस तरह से यहाँ पर डिवीजन को शो करता है। नाउ इफ हम बात करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, राइट, माउथ से स्टार्ट करते हैं सपोज, तो माउथ की बात करेंगे हम, राइट। सो माउथ की जब भी बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं माउथ की, तो माउथ की जो पोजीशन है वो क्या है, सब टर्मिनल, राइट। टर्मिनल मतलब एंड पे, एंड के थोड़ा सा पीछे की तरफ सब टर्मिनल पोजीशन है और माउथ के दोनों तरफ लिप्स प्रेजेंट होंगे, राइट। एक अपर लिप, एक लोअर लिप। जो ऊपर प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे अपर लिप, जो नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे लोअर लिप, राइट। इसी तरह से हम बोलेंगे दो लिप्स में ये डिवाइडेड है, अपर एंड लोअर लिप। इन लिप्स में पैपिला लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होंगे तो इनको हम बोलेंगे माउथ पैपिला। पैपिला मीन्स कुछ छिद्रनुमा, राइट, पोर्स जैसे स्ट्रक्चर्स वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे तो इनको हम माउथ पैपिला नेम देते हैं। क्लियर है, अपर एंड लोअर लिप और लिप्स में, लिप्स रीजन में पैपिला नामक संरचनाएं प्रेजेंट रहेंगी, राइट। सेकेंड थिंग, जैसे ही माउथ की बात करते हैं तो माउथ के बाहर की तरफ बार्बल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, माउथ बार्बल्स जिन्हें हम नेमिंग देते हैं, ये माउथ से निकलते हैं, राइट। माउथ के सेकेंड पार्ट में जाते ही हमें दिखती है बकल कैविटी, ठीक है, बकल कैविटी हमें दिखाई देती है एंड बकल कैविटी माउथ के खुलते ही ओपन होती है तो इसके अंदर हमें टीथ और टंग जैसे कोई भी स्ट्रक्चर्स दिखाई नहीं देते, राइट। बकल कैविटी में ना तो टीथ प्रेजेंट हैं ना ही टंग प्रेजेंट है, एज सच कोई रीजन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, जस्ट माउथ के बाद एक वाइड ओपनिंग है जिसे हम नाम दे रहे हैं बकल कैविटी। ये दोनों ही रीजन्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, जैसा कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में हम देखते हैं कि बकल कैविटी में ये सारे रीजन्स होते हैं, यहाँ पे नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं फेरिंग्स रीजन की। बकल कैविटी रीजन माउथ और फेरिंग्स भाग को कनेक्ट करता है, जोड़ कर रखता, ठीक है, मुख भाग को और फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी भाग को जोड़ कर रखेगा। अब फेरिंग्स रीजन की जब बात करते हैं तो ये रीजन भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसका जो अपर पार्ट है वो तो मैस्टिकेटरी होता है एंड इसका जो लोअर पार्ट है यानी कि अपर पार्ट
ऊपर वाला भाग मैस्टिकेटरी है, लोअर नीचे वाला जो भाग है वो कैसा है, रेस्पिरेटरी। अब जब हम बात कर रहे हैं मैस्टिकेटरी पार्ट की, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर टीथ प्रेजेंट रहेंगे, राइट। टीथ की प्रेजेंस यहाँ पर देखी जाएगी फेरिंग्स रीजन में, अपर पार्ट में। और टीथ भी कैसे होंगे, पॉइंटेड टाइप के। मैस्टिकेटरी का मतलब होता है कि जो कि चवर्ण में काम आ रहे हैं, जो भी भोजन वो ले रहे हैं उसको पीसने में काम आ रहे हैं, तो मैस्टिकेटरी नाम दिया जाता है ऐसे अपैरेटस को या ऐसे अंगों को, ऑर्गन्स को, राइट। अब टीथ की बात करते हैं तो टीथ किस टाइप के हैं, हेट्रोडोंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होंगे। एंड टीथ जो होंगे वो कई फिशेस में होमोडोंट भी होते हैं, राइट। होमोडोंट टीथ भी प्रेजेंट रहते हैं, और ये टीथ जब अरेंज होते हैं तो थ्री रोज में अरेंज रहते हैं, ठीक है। होमोडोंट का मतलब है एक जैसे सारे टीथ प्रेजेंट रहेंगे, थ्री रोज में अरेंज रहते हैं, यानी कि थ्री रोज में टीथ का अरेंजमेंट देखा जाएगा। और इस पार्ट को हम इसीलिए मैस्टिकेटरी पार्ट कहते हैं। नाउ सेकेंड बात करते हैं इसके लोअर पार्ट की, जो कि रेस्पिरेटरी है, यानी कि श्वसन में एक पार्ट काम आएगा। एंड रेस्पिरेटरी पार्ट बोल रहे हैं, और इसी के साथ इसे ब्रेंकियल पार्ट भी कह सकते हैं। अब क्यों ब्रेंकियल पार्ट बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गिल्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट। गिल्स जो हैं वो इस रीजन में फैरिंग्स में नीचे की तरफ प्रेजेंट रहते हैं, और गिल्स जो हैं इसकी ओपनिंग बाहर की तरफ गिल्स लिट्स से होती है, राइट। गिल्स लिट्स बाहर की तरफ ओपन होते हैं, और ओपरक्यूलम जो होता है ये गिल्स लिट्स की कवरिंग होती है, यानी ओपरक्यूलम के नीचे गिल्स लिट्स और वहाँ पर गिल्स। गिल्स की बात करते हैं तो गिल्स फोर पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि एट गिल्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे फोर पेयर्स में। देखो हमने बनाया भी है 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों साइड फोर फोर गिल्स को अरेंजमेंट शो हो रहा है, राइट। दैट मीन्स गिल्स इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंस अपनी शो करते, राइट। तो फोर पेयर्स में गिल्स प्रेजेंट है, ओपरक्यूलम के नीचे की तरफ प्रेजेंट है, और ब्रैंकियल पार्ट ये कहलाता है। यहाँ पे आके हम बोलते हैं कि फूड जैसे जा रहा है, राइट। सपोज फूड जा रहा है फैरिंग्स में, मैस्टिकेटरी आगे वाले भाग में, इंटीरियर पार्ट में, जिसे हम अपर पार्ट भी कह रहे हैं, अग्रभाग, और पोस्टीरियर भाग में ये प्रेजेंट है। तो चांसेस होते हैं, राइट, वहाँ पर चांस होता है कि ये जो फूड है ये इस रीजन में जा सके, ठीक है। इसीलिए इन गिल्स के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम हार्ड स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, राइट। हार्ड गिल स्ट्रक्चर्स, या फिर इनको हम नेमिंग देते हैं रेस्क स्ट्रक्चर्स, राइट। रेस्क स्ट्रक्चर्स जो कि काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये अलाउ नहीं करते एंट्री फूड की इस रीजन में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वाटर एंट्री है, श्वसन क्रिया होगी, रेस्पिरेशन एक्टिविटी होगी, इसलिए इन स्ट्रक्चर्स के कारण इसके अंदर एंट्री नहीं हो पाती फूड की। और इसी के कारण, क्योंकि हार्ड स्ट्रक्चर्स भी हैं, तो यहाँ से अपर पार्ट से इंटीरियर यानी कि अग्रभाग से फूड डायरेक्ट जाता है ईसोफेगस में, राइट। फूड जाएगा सीधे ग्रास नाल में। अब बात करते हैं ग्रास नाल की, तो इसकी संरचना को जब हम देखते हैं तो ये ग्रास नाल ईसोफेगस भी दो पार्ट्स में, दो रीजन्स में हमें देखने को मिलती है, यानी कि ईसोफेगस भी अग्र और पश्च भाग में विजिबल रहेगी। ईसोफेगस फोर्थ पार्ट है, राइट, और फोर्थ पार्ट होने के साथ ही इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हुआ एंटीरियर पार्ट यानी कि अग्रभाग, दूसरा हुआ
पोस्टीरियर पार्ट यानी कि पश्च भाग। बात करते हैं एंटीरियर रीजन की यानी कि अग्र भाग की, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक न्यूमैटिक पोर या न्यूमैटिक डक्ट देखने को मिलती है, राइट। यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि न्यूमैटिक डक्ट देखने को मिलती है, और ये न्यूमैटिक डक्ट क्या है, एयर ब्लैडर की डक्ट है, यानी कि जो स्विम ब्लैडर है उसकी डक्ट है जो कि यहाँ पर ओपन हो रही है एंटीरियर रीजन में अग्रभाग। पोस्टीरियर रीजन की बात करते हैं तो ये भी हम बोलते हैं ट्रांसवर्स मसल्स इसके अंदर प्रेजेंट रहती हैं, राइट। तो जब स्ट्रक्चर वाइज बात करेंगे तो ट्रांसवर्स मसल्स मींस लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, वो इस तरह से मसल्स का अरेंजमेंट शो कर रही, राइट। सो इस टाइप से ट्रांसवर्स मसल्स यहाँ पर पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट होंगी, और ये रीजन आगे खुलेगा स्टमक रीजन में, राइट। तो बात करते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन की, तो यहाँ पर हमने बोला कि अग्रभाग में न्यूमैटिक डक्ट है, पोस्टीरियर भाग में ट्रांसवर्स मसल्स का अरेंजमेंट है, और ईसोफेगस ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत छोटी सी है, और यहाँ पर कुछ हम बोल सकते हैं म्यूकस श्लेष्म का श्रावण भी होता है, राइट, जो फूड को अंदर की तरफ ले जा सके, और मसल्स हैं तो मसल्स ऑलरेडी उसका मूवमेंट ईजीली करवा देंगे, ठीक है। तो क्लियर है अभी तक 4 पॉइंट्स, माउथ कैसा है, ठीक है, बक्कल कैविटी कैसी है, फैरिंग्स 2 पार्ट्स में है, एक टीथ वाला पार्ट, एक ब्रैंकियल गिल्स वाला पार्ट, फिर ईसोफेगस भी 2 पार्ट्स में है, एक जहाँ पर न्यूमैटिक डक्ट यानी कि एयर ब्लैडर की डक्ट खुल रही है, ओपन हो रही है, और पश्च भाग जहाँ पर ट्रांसवर्स मसल्स का प्रेजेंस है, और वो पश्च भाग आगे जाकर खुलेगा स्टमक के अंदर, ठीक है। जब स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं तो अब ईसोफेगस के बाद क्या आएगा, स्टमक आना चाहिए, लेकिन हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ईसोफेगस के बाद स्टमक जैसी कोई संरचना हमें यहाँ ऑब्जर्व नहीं होती इसमें, देखते हैं। चलो स्टमक अगर एब्सेंट है तो क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। स्टमक रीजन की जगह पर, क्योंकि हमने बोला इन फिशेज में स्टमक इज एब्सेंट, राइट, एब्सेंट है, तो इसी रीजन में हमें इंटेस्टाइनल बल्ब यानी कि इंटेस्टाइन से पहले ही एक इंटेस्टाइनल बल्ब ऑब्जर्व होता है। ये इंटेस्टाइनल बल्ब मोटा होता है, राइट, सैक लाइक होता है, यानी कि थैलेनुमा आकृति का है, चौड़ा है, ईसोफेगस से थिक है, ब्रॉड है, ठीक है, चौड़ा है ईसोफेगस। इस रीजन की जब बात करते हैं, स्टार्टिंग ईसोफेगस से है, एंडिंग इंटेस्टाइन से है, ये रीजन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट हुआ कार्डियक पार्ट, ठीक है, दूसरा पार्ट हुआ पाइलोरिक, यानी कि इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं कैसे, स्टमक जैसे ही हैं, ठीक है, लेकिन नाम इसको हम स्टमक नहीं देते, इंटेस्टाइनल बल्ब देते हैं। इस रीजन को हम बोल देते हैं कार्डियक, जो पहले प्रेजेंट है, और नीचे वाले रीजन को पाइलोरिक, ठीक है, कार्डियक एंड पाइलोरिक। स्टमक की तरह सैक लाइक है लेकिन स्टमक नहीं है। अब कार्डियक पार्ट और पाइलोरिक पार्ट की जब बात करते हैं तो कार्डियक पार्ट में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स देखी जाती है, वहीं पाइलोरिक पार्ट की बात करते हैं तो पाइलोरिक पार्ट में ट्रांसवर्स मसल्स देखी जाती हैं, ऑब्जर्व की जाती हैं। तो यहां पर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स,
यहाँ पर ट्रांसवर्स मसल्स, राइट। सो इस तरह से दो रीजन्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते। ऑल राइट, नाउ बात करते हैं, क्योंकि हमने बोला इंटेस्टाइन इसके बाद आएगी, तो इंटेस्टाइन को भी अगेन, जो कि हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, हम बोल रहे हैं हाईली कॉइल्ड है, ठीक है, इसको भी अगेन हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अग्र और ये पश्च, यानी कि एंटीरियर और पोस्टीरियर इंटेस्टाइन, अग्र आंत्र पश्च आंत्र, राइट। ठीक है, एक चीज जो यहां देखने को मिलती है कि पाइलोरिक पार्ट इंटेस्टाइन में पाइलोरिक वाल्व के थ्रू खोलेगा। एक वाल्व है जिसे हम पाइलोरिक वाल्व या कपाट बोल रहे हैं, तो इस रीजन में ये प्रेजेंट होगा और ये इंटेस्टाइन में खुलेगा। हाईली कॉइल्ड है, थिन है, राइट। इसकी जो मेम्ब्रेन है वो काफ़ी थिन है, पतली मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर, और हाईली कॉइल्ड है, ये तो हमने बोल दी। दूसरी चीज़, इंटेस्टाइन के अंदर एंटीरियर पार्ट है और पोस्टीरियर पार्ट है, राइट। दोनों पार्ट अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड होते हैं। एंटीरियर पार्ट में जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनके जूसेस यहाँ पर सिक्रीट किए जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बोले हेपेटिक डक्ट जो है और पेंक्रियाटिक डक्ट जो है, यानी कि लिवर से, लिवर कहाँ प्रेजेंट है, येरा लिवर, और किससे, पेंक्रियास से, इसके अंदर जूसेस आते हैं जिन्हें हम बाइल जूसेस कहते, राइट। सो इस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, और इन दोनों की जो डक्ट है वो कहाँ ओपन होगी, एंटीरियर पार्ट में इंटेस्टाइन के, जो कि डाइजेस्टिव जूसेस को लेकर आएंगे और डाइजेशन का काम करवाएंगे। अब हम यहाँ बोलते हैं कि जो इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं, जो इंटेस्टाइन्स सिक्रीट करती हैं, वो भी यहाँ पर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, उनकी भी प्रेजेंस यहाँ पर नहीं होती। किसकी, जो इंटेस्टाइन्स जूसेस यानी कि सिक्रीट करती हैं, स्रावित करती, वो भी यहाँ एब्सेंट रहेंगे। अब बात करते हैं पोस्टीरियर पार्ट की, तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का अरेंजमेंट देखा जाता है, ठीक है, मसल्स प्रेजेंट हैं। इसी के साथ जो इंटेस्टाइन रीजन है उसमें विलाए भी अरेंज्ड रहेंगे, राइट। रसांकुर, माइक्रोविलाए, सूक्ष्म रसांकुर, ये भी प्रेजेंट रहेंगे ताकि ये एब्जॉर्प्शन कर सके, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो सके, इसलिए ये यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, जो सरफेस एरिया इंटेस्टाइन्स का बढ़ा देते हैं, और हमने बोला ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट रीजन में जब हम आते हैं, बात करते हैं, तो इंटेस्टाइन के बाद जस्ट हमें जो रीजन देखने को मिलता है वो है रेक्टम, यानी कि सेवेंथ पार्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, रेक्टम है। और रेक्टम की जब भी बात करते हैं तो रेक्टम थोड़ा सा फूला हुआ स्ट्रक्चर है, यानी कि इंटेस्टाइन से थोड़ा सा चौड़ा है, थिक है, राइट, ब्रॉड स्ट्रक्चर है, और नीचे जाते जाते वो नैरो हो जाएगा, पतला हो जाएगा, थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, और बाहर की तरफ एनस के थ्रू ओपन होगा। एनस इज द ओपनिंग है बाहर की तरफ, कि किस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है ये ओपन हो रहा है। रेक्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर भी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये मसल्स ट्रांसवर्स हैं, राइट, वेरी लो ट्रांसवर्स मसल्स जैसे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर कट सेक्शन करके देखे जाते हैं। एनस बाहर की तरफ एक अपर्चर के थ्रू खुलती है, जिसे हम बोलते हैं एनल अपर्चर, राइट, छिद्र है जो कि एनल का ही छिद्र है, इसलिए हम इसको नेमिंग देते हैं एनल
अपर्चर। सो इस तरह से एलिमेंट्री केनाल के जो 8 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। हमने पहले बात की थी फूड इनटेक की, किस तरह का फूड ले रहे हैं, फिर एलिमेंट्री केनाल की। अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, यानी कि कैसे ग्लैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, ग्रंथियाँ कैसी हैं जो कि यहाँ पर प्रेजेंट हैं। पाचन ग्रंथियाँ, पहली बात तो हमने की कि यहाँ पर एज सच कोई सलाइवरी सिक्रीशन इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स की प्रेजेंस इतनी हाई नहीं है। सेकंड बात की हमने इंटेस्टाइनल जूसेस, यानी कि इंटेस्टाइन्स भी जूसेस सिक्रीट नहीं कर रही हैं, स्रावित नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पर ग्लैंड्स दो ही होंगे, यानी कि एक लिवर और दूसरा पैनक्रियाज, और ये ही अपने स्ट्रक्चर्स को शो करेंगे। ठीक है, लिवर एंड पैनक्रियास। स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह से ये अरेंज होते हैं। ठीक है, टू लोब्स देख रहे हैं हम लिवर की। ठीक है, इस तरह से इनका अरेंजमेंट है। राइट, इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है। ये राइट लोब है लिवर की और ये है लेफ्ट लोब। राइट, लेफ्ट लोब थोड़ी सी चौड़ी है, छोटी है, राइट लोब थोड़ी सी बड़ी है और संकरी है, यानी कि नैरो है और ये ब्रॉड है। ठीक है, इतनी बड़ी भी नहीं होगी पर हाँ थोड़ा इससे तो बड़ी ही होगी। नाउ बात करते हैं, क्योंकि लीवर है तो लीवर से कुछ डक्ट्स भी तो आएंगे यहाँ पर। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ डक्ट्स यहाँ पर आएंगी, खुलेंगी, ओपन होंगी, और इसी के साथ यहाँ से भी कुछ डक्ट ओपन होगी। ठीक है, यहाँ से भी कुछ डक्ट ओपन होगी और नीचे की तरफ इसकी ओपनिंग ऐसे देखेंगे हम। ठीक है, इंटेस्टाइन में इनकी ओपनिंग देखेंगे हम, एंटीरियर भाग में अग्रभाग। अब बात करते हैं, ये तो हमने बोला राइट लोब और लेफ्ट लोब है किसकी, लिवर की। इसी के साथ यहाँ पर ये वाला रीजन तो हो गया ईसोफेगस, और इसी के जस्ट नीचे ये जो रीजन है इसे हमने बोला इंटेस्टाइनल बल्ब, जो कि बल्ब की तरह फूली हुई है। राइट, स्वॉलन स्ट्रक्चर है। इस इंटेस्टाइनल डक्ट के पास में यहाँ पे गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर जो है ये यहाँ पर प्रेजेंट होगा, और ये गॉल ब्लैडर स्टोर करके रखता है बॉइल जूसेस को, यानी कि जो लिवर के जूसेस हैं उन जूसेस को ये स्टोर करके रखता है। इन्हें हम बोल सकते हैं बाइल जूसेस।
ठीक है। अब इसके थ्रू जो डक्ट जा रही है गॉल ब्लैडर से, इस डक्ट को हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। ठीक है, लीवर से जो डक्ट जा रही है इसे हम बोलेंगे हेपेटिक डक्ट। दोनों तरफ से आ रही हैं, एक से ज़्यादा भी आ सकती हैं, तो हेपेटिक डक्ट्स जो कि लीवर से आ रही। और ये है हमारी जो जहाँ पे सारी डक्ट्स मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाती है, इसको हम नेम देते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, क्लियर है स्ट्रक्चर कि लिवर का स्ट्रक्चर है फिशेज में। फिशेज में भी मोस्टली किसमें, लेबियो में लिवर का स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं दोनों स्ट्रक्चर्स की, लिवर एंड पेंक्रियास की। ठीक है, लिवर टू लोब्ड है, ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस है, राइट लोब भूरे रंग का होता है, बाहर से दिखता है। राइट लोब जो होगी वो थोड़ी बड़ी है, लेफ्ट लोब छोटी है, लेकिन लेफ्ट लोब चौड़ी है, ब्रॉड है। ठीक है, अब इसमें से जो डक्ट्स आती हैं उन्हें हम बोल रहे हैं हेपेटिक डक्ट्स, राइट। और इसी के साथ एक गॉल ब्लैडर भी अटैच होगा, और उससे जो डक्ट आएगी यहाँ पर उसे हम नेम देंगे सिस्टिक डक्ट। ठीक है, सिस्टिक डक्ट। ठीक है, और ये अपने सिक्रीशंस गॉल ब्लैडर से कॉमन बाइल डक्ट में छोड़ते हैं। ठीक है, इनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ सेकेंड बात करते हैं पेंक्रियाज की, तो पेंक्रियाज का ऐसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि पेंक्रियाज जो हैं वो वाइड स्प्रेड हैं। ठीक है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट हैं, वाइड स्प्रेड हैं और विदर्ड हैं, यानी कि डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर में हैं, डिस्पर्सिव स्ट्रक्चर शो करते हैं संरचना। यानी कि ये लिवर में भी पैचेस के रूप में अलग अलग जगह पर प्रेजेंट रहेंगे, पैचेस के फॉर्म में। इनकी प्रेजेंस स्प्लीन एरिया में भी देखी जाएगी, ठीक है, पैचेस के फॉर्म में बिखरे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से ये प्रेजेंट रहेंगे, क्लियर है। तो सिर्फ लिवर में ही नहीं, स्प्लीन में भी प्रेजेंट है पेंक्रियास, पैचेस के फॉर्म में अलग अलग जगह पर डिस्पर्स हैं, और इनसे जो डक्ट निकलेगी उसे हम बोलते हैं पेंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, और ये पेंक्रियाटिक डक्ट आके बाइल डक्ट में ही मिल जाती है, ठीक है, उसी के साथ साथ चलती है, इसी में कॉमनली मिल जाती है, इसलिए हमने इसे कॉमन बाइल डक्ट कहा। इसी के साथ यहाँ पर पेंक्रियाटिक डक्ट भी जुड़ी रहती है, और ये दोनों जब ओपन होती हैं तो अलग अलग जगह पर ओपन होती हैं, एंटीरियर भाग में इंटेस्टाइन के, यानी कि ओपनिंग इनकी कहाँ है, अग्र भाग में इंटेस्टाइन के, और इस अग्र भाग में ही जूसेस सारे लाए जाते हैं, राइट। नाउ बात करते हैं डाइजेशन की, यानी कि डाइजेशन प्रोसेस की। तो हमने बात की माउथ की, ठीक है, माउथ से फूड जाएगा बकल कैविटी में, बकल कैविटी से फूड जाएगा एंटीरियर पार्ट में, यानी कि मेस्टिगेटरी ऑर्गन में, वहाँ च्यूइंग होगी उस फूड की। ठीक है, ब्रेक डाउन हो रहा है स्मॉल रीजन्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में। देन उसके बाद ब्रैंकियल चैम्बर में जब जाने लगेगा तो वहाँ पर उसे रोक दिया जाएगा हार्ड गिल सब्सटेंसेस के थ्रू, वहाँ पर स्ट्रक्चर हैं जो उन्हें रोक देंगे, और फिर ये ईसोफेगस में भेजेंगे। ईसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन होगा, फूड आएगा स्टमक में, स्टमक में कॉन्ट्रैक्शन होगा, मूव करेगा फूड, आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट, ग्लैंड्स की डक्ट प्रेजेंट हैं, ओपन होती हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को लाती हैं, तो यहाँ पर और ब्रेक डाउन होगा फूड का। ठीक है, यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स जो होंगे वो फर्दर ब्रेक डाउन होंगे, यहाँ पर टूटेंगे, और जो वेस्ट मटेरियल होगा वो यहाँ से बाहर आ जाएगा एनल अपर्चर के थ्रू। नाउ जो मटेरियल यहाँ से एब्जॉर्ब किया जाएगा वो क्या होगा, यहाँ से पूरी बॉडी के द्वारा अवशोषित हो जाएगा और पूरी बॉडी को उसकी सप्लाई दे दी जाएगी, राइट। सो इस तरह से लेबियो में डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। नाउ सेकेंड जो चीज़ हम देखते हैं वो ये कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है लेबियो की।
ठीक है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का मतलब है यहाँ पर कि लेबियो हमारे लिए इकोनॉमिकली कैसे इम्पोर्टेंस शो करता है, राइट। क्योंकि हमने बोला कि लेबियो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ हैं, लेकिन कैसे हैं ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर रहता है। अब कुछ ऑर्गेनिज़म्स में हम ये देखते हैं कि लेबियो एज अ फूड आर्टिकल की तरह यूज़ किया जाता है, यानी कि फूड आर्टिकल की तरह इसे यूज़ किया जाता है। सेकेंडली, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है बिकॉज लेबियो रोहिता जो है उसका जो टेस्ट है, पहली बात तो इंडियन स्पीशीज़ है ये भी, और इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी हद तक अच्छा होता है। सो डिमांड बहुत ज़्यादा है इस स्पीशीज़ की और इन की, ठीक है। बाकी बात करते हैं तो एज अ फूड इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कर रखी है इन फिशेस ने, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को इकोनॉमिकली हेल्प कर रही हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ मनी। कई बार इनके स्केल्स को भी यूज़ में ले लिया जाता है। बाकी एज सच इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस लेबियो की हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं। एक जो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एयर ब्लैडर, राइट। इस एयर ब्लैडर नामक स्ट्रक्चर को हम स्विम ब्लैडर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बोल रहे हैं ये एयर ब्लैडर है तो इसे हम स्विम ब्लैडर भी कहते हैं, और ये स्विमिंग में हेल्प करता है, इसलिए हमने इसे ये नेम दिया है। सेकेंडली, कुछ फिशेस में हम ऑब्जर्व करते हैं कि स्विम ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट रहता है। मोस्ट ऑफ द जो एक्वाटिक फिशेस होंगी उनमें हम स्विम ब्लैडर की अरेंजमेंट को ऑब्जर्व करें, और ये प्रेजेंट कहाँ रहता है, इसकी जो ओपनिंग है न्यूमैटिक डक्ट वो कहाँ खुलती है, ईसोफेगस के इंटीरियर पार्ट में, अग्र भाग में। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हमने कल स्टडी किया था यूरोजेनाइटल सिस्टम, राइट, जिसमें हमने बात की थी कि इनका जो जेनाइटल एरिया है यानी कि जो जेनाइटल सिस्टम है वो किस तरह से तो बात करते हैं, हमने बोला यूरिनरी ब्लैडर जो है प्लस यूरेटर्स किडनीज वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। सो इसी के साथ हम ये भी बोलते हैं कि वहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट है, इसलिए हमने उसे नेम दिया यूरोजेनाइटल, राइट। नाउ स्टडी करेंगे हम लेबियो के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, यानी कि इनके अंदर जनन तंत्र किस तरह से डेवलप्ड रहता है। सो लेबियो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट, इनमें जनन तंत्र प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट है देख लेते हैं। सबसे पहली बात जो कंसिडर की जाती है वो ये है कि यहाँ पर टू टाइप के रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम देखेंगे, जिन्हें हम बोलते हैं मेल यूरोजेनाइटल एंड फीमेल यूरोजेनाइटल सिस्टम, ठीक है। मेल आते ही मतलब मेल की बात करें, जहाँ पर मेल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, इसलिए हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेल बोला। फीमेल यूरोजेनाइटल मीन्स फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि यूरो स्ट्रक्चर जो है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है, दोनों में सिमिलर है, हमने ये देखा था। अब क्योंकि हम बोल रहे हैं यहाँ पर गोनाड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और गोनाड्स टू पेयर्स में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, दोनों की कॉमनली बात कर रहे हैं, तो दो पेयर्स में गोनाड्स जो हैं उनकी प्रेजेंस देखी जाएगी। प्रेजेंट कहाँ होंगे ये गोनाड्स, एब्डोमिन पार्ट के नीचे की तरफ, बिलो द एब्डोमिन रीजन ये प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है।
दूसरी बात, गोनाड्स के साथ साथ यहाँ पर गोनोडक्ट्स भी प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है, जो कि गोनाड्स से कनेक्टेड हैं, इसलिए हम इनको नेमिंग दे रहे हैं गोनोडक्ट। अब गोनोडक्ट है तो मेल्स में इस गोनोडक्ट का नाम होगा स्पर्मेटिक डक्ट, राइट, और फीमेल्स में इस गोनोडक्ट का नाम होगा ओवी डक्ट। यानी कि इस तरह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंगली इन डक्ट्स को नेमिंग दी गई। सो गोनाड्स हैं टू पेयर्स, मेल्स में गोनाड्स को हमने टेस्टीज नेमिंग दी, फीमेल्स में गोनाड्स को हमने ओवरी का, ठीक है। सो इस तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलेंगे, एक कॉमन स्ट्रक्चर हम ये देखें। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो हम अभी स्टडी करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो देखने को मिलती है ये है कि जब इनका ब्रीडिंग टाइम आता है, यानी कि हम बोलते हैं जुलाई से अगस्त के बीच में इनका ब्रीडिंग पीरियड आता है, सो ब्रीडिंग पीरियड के टाइम पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो फीमेल्स हैं वो एग्स को रिलीज कर देती हैं बाहर की तरफ वाटर, ठीक है। फीमेल्स क्या कर रही हैं ब्रीडिंग पीरियड के टाइम पे, एग्स को रिलीज कर रही हैं, राइट, उनके जेनाइटल पोर्स के थ्रू, जेनाइटल अपर्चर्स के थ्रू, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था AGU याद करने का तरीका था, और ये था एनल अपर्चर, जेनाइटल अपर्चर एंड यूरिनरी अपर्चर, राइट। सो इस तरह से हम बात कर रहे थे ब्रीडिंग एग्स रिलीज कर देती हैं वाटर में, ठीक है, एंड वाटर इज अ एक्वेटिक मीडियम है, ठीक है। ये एग्स क्या करेंगे, फ्लोट करते हुए, पहले तो फ्लोट करेंगे एंड फ्लोट करते हुए बाद में नीचे बॉटम में चले जाएंगे, बिल्कुल नीचे जो सतह होगी उस सरफेस पर ये एग्स पहुंच जाएंगे। अब वहां पर रीच करते ही, ठीक है, बॉटम में रीच कर चुके हैं क्योंकि ये, तो यहाँ पर रीच करते ही क्या होगा, जो मेल्स होंगे वो अपने स्पर्म्स को जेनाइटल अपर्चर के थ्रू रिलीज करके एग्स के ऊपर रिलीज करेंगे, ठीक है, एग्स जो होंगे उनके ऊपर इन्हें रिलीज किया जाए, ठीक है। अब ये रिलीज होते ही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो हमने बोला फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है, एक्सटर्नल, राइट, बाहर हो रहा है, बाहर वाटर सरफेस में हो रहा है, एक्वेटिक सरफेस में हो रहा है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगॉट बनेगा, जाइगॉट के बाद क्लीवेज होगा, तो क्लीवेज किस टाइप का देखा जाएगा इसमें, मेरोब्लास्टिक, राइट, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज इनमें ऑब्जर्व किया जाएगा। यानी कि क्लीवेज किस टाइप का है, इनकम्प्लीट टाइप का क्लीवेज है, एंड क्लीवेज के बाद इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि जो एग्स थे वो योकी टाइप के हैं, योकी एग्स होंगे जिनमें योक की अमाउंट होगी ज़्यादा इस रीजन से, इसके कारण मैरोब्लास्टिक क्लीवेज देखा जाता है। अब क्लीवेज के बाद डेवलपमेंट भी होगा, तो जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है, ठीक है, बीच में कोई लार्वा स्टेज नहीं है, डायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि परिवर्धन जो है एकदम डायरेक्ट है, बीच में कोई भी इसमें लार्वल अवस्था या लार्वा स्टेज नहीं देखी जाती, ठीक है, ये नहीं ऑब्जर्व करते। अब डायरेक्ट डेवलपमेंट के बाद जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं फ्राई, ठीक है, पहला ऑर्गेनिज्म जो जस्ट डेवलप हो रहा है फिशेस में, लेबियो में, उसे हम फ्राई बोलते हैं, और ये थ्री, हम बोल सकते हैं 1-3 mm लेंथ का होता है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा नहीं है, 1-3 mm लेंथ का ही फ्राई डेवलप होता है। और फ्राई के बाद सेकेंड स्ट्रक्चर जो डेवलप होता है उसको हमने नेम दिया है फिंगरलिंग्स, यानी कि फिंगर लिंग।
और इसकी जब बात करते हैं तो ये 5 to 8 mm लॉन्ग होता है। ठीक है, सबसे पहले डेवलप हो रहा है फ्राई, फिर फिंगरलिंग जो कि 5 to 8 mm लॉन्ग है, और डेवलपमेंट करते हुए थर्ड स्टेज आ जाएगी इसकी, एडल्ट स्टेज, वयस्क अवस्था। और इस एडल्ट स्टेज में इस एडल्ट स्टेज में हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये 1 meter तक लॉन्ग हो सकते राइट। सो इस टाइप से हम देखते हैं इनका डेवलपमेंट। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज डेवलपमेंट डायरेक्ट है, और डायरेक्ट के बाद जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं फ्राई। फ्राई के बाद फिंगरलिंग फॉर्म होगा जो कि 5 to 8 mm लॉन्ग होगा, एंड फिंगरलिंग के बाद जो एडल्ट फॉर्म होगा यानी कि जो वयस्क फॉर्म हो रहा है वो 1 meter लॉन्ग तक हो सकता है, यानी कि 1 meter तक लंबा, और कुछ ऑर्गेनिजम्स में 1.5 meter लॉन्ग। डिपेंड करता है कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन सी स्पीशीज है लेबियो की, सो उस बेसिस पर हम बोलते हैं कि एडल्ट्स की साइज़ जो है वो वेरी कर सकती है, वो डिफरेंट हो सकती है अलग अलग स्पीशीज़ में। तो ये तो हमने नॉर्मल इन जनरल बात की है कि किस तरह से इनमें डेवलपमेंट शो हो रहा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम ऑब्जर्व करेंगे मेल एंड फीमेल सिस्टम्स कैसे हैं राइट, डायग्राम के थ्रू देखेंगे, एंड कैसे उनसे गैमेट्स बाहर की तरफ रिलीज होते। राइट, प्रीवियस क्लास में हम डेवलपमेंट पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे थे कि लेबियो में किस तरह से डेवलपमेंट होता है राइट। लाइक हमने बोला कि डायरेक्ट डेवलपमेंट है, वहाँ पर फ्राई बन रहा है, एंड देन उसके बाद फिंगरलिंग डेवलप हो रही है, और फिंगरलिंग के डेवलपमेंट के 2 साल बाद अप्रॉक्सीमेटली 2 years बाद तक एडल्ट फॉर्म हो जाता है। लेबियो की बात कर रहे थे हम, तो ये ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, ओवीपैरस है यानी कि अंडप्रजक हैं, एग ले करते हैं, वीवीपैरस नहीं है राइट। और वीवीपैरस ऑर्गेनिजम्स मोस्ट ऑफ द फिशेस जो होंगी वो ओवीपैरस एग लेइंग ही होंगी, और एग भी जो होते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में एक्सक्रीट किए जाते हैं, बाहर की तरफ रिलीज किए जाते हैं, जो कि योकी एग्स होते हैं, येलो कलर्ड होते हैं, उनमें योक की प्रेजेंस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए हम उन्हें योकी एग्स कहते हैं। बाकी हमने देख लिया था कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, अब हम इनके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर लेबियो में प्रेजेंट रहते हैं राइट। स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व होंगे, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट के साथ किडनी पार्ट भी अटैच्ड रहेगा। इस तरह से अटैचमेंट शो होगा। बात करते हैं बीच की तरफ, यूरेटर प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि हम इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं तो हमें इतना ज़्यादा ध्यान इस स्ट्रक्चर पर नहीं देना। यहाँ पे देखेंगे इस तरह से ओपनिंग ऑब्जर्व करते हैं, तो ये हो गए यूरेटर्स, ये हो गई किडनी, किडनी 2 parts में है, ये किडनी हेड हो गया रीजन यानी कि शीर्ष वाला भाग है, और ये किडनी का हम बोल सकते हैं थोरेक्स पार्ट है राइट। तो किडनी का हेड रीजन है और नीचे वाला जो रीजन है वो थोरेक्स रीजन प्रेजेंट है। ऑल राइट राइट, तो थोरेक्स रीजन ये यूरेटर्स, और ये जो है ये कॉमन यूरिनरी डक्ट
प्रेजेंट है यहाँ पर। और ये जो ओपनिंग होगी इसे हम बोलेंगे यूरिनरी अपर्चर, यानी कि छिद्र है जिसके द्वारा बाहर की तरफ यूरिन का एक्सक्रीशन होता है। तो ये हो गई हमारी यूरिनरी डक्ट, राइट। ऑलराइट, सो इस तरह से ये प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट में हम बात करते हैं, यहाँ पर इस रीजन में हमें दिखता है, जैसे अगर हम मेल गैमिट्स का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो हमें कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ ऑब्जर्व होते हैं। और इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं मेल गैमिट्स, क्योंकि ये यहाँ पर इस तरह से ही अरेंज्ड, या हम कह सकते हैं अरेंजमेंट को शो करते हैं, राइट। दोनों साइड्स प्रेजेंट होंगे इसलिए हम इन्हें बोलेंगे कि ये पेयर्ड में है, पेयर्ड रीजन्स हैं, राइट। इस तरह से ये रीजन्स यहाँ पर अरेंज रहेंगे, राइट। सेम वे में यहाँ पर भी अरेंजमेंट इस तरह से प्रेजेंट होगा, राइट। तो ये इस तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट को शो करते हैं। ऑलराइट, नाउ क्योंकि यहाँ पे जो अपर्चर है उसको हम बोलेंगे मेल जिनाइटल अपर्चर, राइट, क्योंकि ये छिद्र है। नाउ यहाँ पे क्या होगा, रेक्टम की ओपनिंग हो रही है, तो इस छिद्र को हम बोलेंगे एनल अपर्चर, राइट, एनल अपर्चर, और ये पार्ट है रेक्टम का। और मोस्ट प्रोबेबली हम बात करेंगे तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या हम बोल सकते हैं मेल का यूरोजेनाइटल सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट है और इस तरह से ये वर्क करेगा। नाउ मेल्स में हमने बोला ये टेस्टीज हैं, राइट, और ये है इनकी डक्ट, यानी कि स्पर्मेटिक डक्ट, राइट। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब भी बात करते हैं तो हम दो तरह की बात करेंगे, एक तो बात करेंगे गोनाड की, कि कौन सा टाइप का गोनाड है। सेकेंडली हम बात करेंगे गोनोडक्ट की, कि ऐसी कौन सी डक्ट है जो गोनाड को लेकर जा रही। तो गोनाड इसमें है टेस्टीज, राइट, बहुत सारी लोब्स में जो प्रेजेंट है। गोनोडक्ट इसमें है स्पर्मेटिक डक्ट, राइट, क्योंकि ये आगे जाकर स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेगी एंड स्पर्म को कैरी करके बाहर की तरफ जिनाइटल अपर्चर्स के थ्रू बाहर रिलीज करेगी। तो इस बेसिस पर हम बोलते हैं कि यहाँ से, क्योंकि स्पर्म्स का रिलीज हो रहा है, मेल गैमेट्स का रिलीज हो रहा है, इसीलिए हम इनको स्पर्मेटिक डक्ट नेमिंग देते। नाउ सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ ऑब्जर्व की जाती है कि ये प्रेजेंट कहाँ है, एब्डोमेन के नीचे की तरफ। और जब भी इनका अरेंजमेंट देखते हैं हम, तो हमने मेन याद करने का एक तरीका देखा था AGU, जिनाइटल डक्ट बीच में प्रेजेंट है अपर्चर छिद्र जो है, एनल अपर्चर आगे की तरफ, यूरिनरी अपर्चर पीछे की तरफ। सो इस तरह से ये तीन अपर्चर्स खुलते हैं फिश में आउटसाइड की तरफ, वाटर एनवायरनमेंट की तरफ। नाउ
ये स्पर्म्स जो हैं ये बाहर की तरफ रिलीज करेंगे, और स्पर्मेटिक डक्ट 2 है नंबर में, टेस्टीज भी 2 है, ये बाहर रिलीज करेंगे इस डक्ट के थ्रू, और वाटर में किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे जाके, जो एग्स रिलीज हुए थे उन एग्स के ऊपर जाके इनका डिपॉजिशन होगा, जो आगे फर्दर क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन को, निषेचन को प्रमोट करेंगे, राइट। सो इस तरह से एक्टिविटी यहाँ पर परफॉर्म होगी। नाउ सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि ये टेस्टीज है और हम बोल सकते हैं मेल ऑर्गन्स हैं, तो यहाँ पर अटैचमेंट के लिए, राइट, अटैचमेंट की बात करते हैं, तो इनका जो अटैचमेंट है वो कहाँ से होता है, मेसेंकाइम लेयर के थ्रू ये अटैच्ड रहते हैं टेस्टीज, और मेसेंकाइम क्या है, पेरिटोनियम की लेयर है, राइट, जो पेरिटोनियम की एक लेयर है मेसेंकाइम, उस मेसेंकाइम लेयर के थ्रू ये टेस्टीज या मेल गैमेट्स अपना अटैचमेंट शो करते हैं, राइट। नाउ ये तो बात हुई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की या मेल यूरोजेनाइटल सिस्टम की, कि इनमें किस तरह से सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट है और एक कॉमन जेनाइटल अपर्चर के थ्रू ओपनिंग शो करते हैं। सेम अगर हम बात करते हैं फीमेल सिस्टम की, ठीक है, फीमेल यूरोजेनाइटल सिस्टम की, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, यूरोजेनाइटल सिस्टम यहाँ से कंबाइंड रहेगा, राइट। तो हमने बात की इस तरह से एक सिस्टम है, राइट, इस तरह से इसमें डक्ट्स प्रेजेंट रहेंगी, ऑलराइट, और यहां पे यूरेटर्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। अगेन इस रीजन को हम थॉरेक्स पार्ट बोलेंगे किडनी का, ये हेड रीजन है किडनी का, ठीक है, ये यूरेटर्स हैं, ये क्या है, कॉमन यूरिनरी डक्ट, और ये है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये ब्लैडर प्रेजेंट है और इस अपर्चर को हम बोलते हैं यूरिनरी अपर्चर। नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर ही फीमेल सिस्टम की, तो इस तरह से यहां पर भी टू ओवरीज जो होंगी वो यहां पर अरेंज्ड रहती हैं, अरेंजमेंट शो करती हैं, और इन ओवरीज में क्या होते हैं, स्मॉल फॉलिकल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। सो इन ओवरीज में फॉलिकल्स या एग्स प्रेजेंट रहते हैं जो बाहर की तरफ रिलीज होते हैं, और बोलते हैं हम कि काफ़ी नंबर ऑफ एग्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एग्स वाटर में रिलीज किए जाते हैं, जो कि बॉटम पर जाकर बैठ जाते हैं। सो ये बात है ओवरीज की, ये कॉमन ओविडक्ट हो गई, ठीक है, जो दोनों ओवरीज से कनेक्टेड होते हुए आ रही है, एंड ये कॉमन डक्ट हो गई, एंड एंड में जब हम बात करते हैं तो ये हो गई फीमेल, वहाँ पर मेल था, यहाँ पे फीमेल जेनाइटल अपर्चर, यानी कि यहाँ पे एक छिद्र प्रेजेंट है जो कि फीमेल्स का है। नाउ यहाँ पर इस रीजन पे बात करते हैं तो ये रीजन रेक्टम है, ठीक है, और रेक्टम बाहर की तरफ जब ओपन हो रहा है तो ओपनिंग हो रही है इसकी एनल अपर्चर के थ्रू, राइट, एनल छिद्र के थ्रू ये बाहर की तरफ ओपन होता। सो इस टाइप से हमें तीन, अगेन तीन छिद्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं,
और बात करते हैं फीमेल्स में, तो फीमेल्स में गोनाड क्या है? ओवरीज, ठीक है। गोनोडक्ट क्या है? ओविडक्ट, जो कि एक बाद में जाके कॉमन ओविडक्ट में परिवर्तित हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। और ओविडक्ट बाहर की तरफ फीमेल जेनाइटल अपर्चर से एग रिलीज करती है, ठीक है। एग रिलीज करती है, एग होते हैं योकी टाइप के, ठीक है। योक का फॉर्मेशन भी होता है। ओवरीज देख रहे हैं दोनों साइड में है, टू हैं, ठीक है। और लोब्स में हैं, ठीक है। लोब्स के साथ इसमें डिफरेंट फॉलिकल्स, एग्स प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ। इसी के साथ इसका जो अटैचमेंट है, जो पेरिटोनियम लेयर है, उसमें मिजोरकियम होती है। यहाँ पर पेरिटोनियम लेयर, जिसके थ्रू ये अटैचमेंट शो करते हैं, उसे हम बोलते हैं मीजोवेरियम, राइट। मीजोवेरियम स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। और इस तरह से मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स एक दूसरे से सेपरेट हैं, दोनों अपर्चर सेम है। ये वाला जो बीच वाला स्ट्रक्चर है, गोनाड्स का स्ट्रक्चर है, जो कि नीचे प्रेजेंट है, उसमें थोड़े से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, राइट। सो इस तरह से यूरोजेनाइटल सिस्टम जो है इनका, वो यहाँ पर फिनिश होता है कि किस तरह से यूरोजेनाइटल सिस्टम ऑर्गेनिजम्स में वर्क करता है। नाउ बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, पहली बात तो कि रेस्पिरेटरी या रेस्पिरेशन के लिए इनमें क्या प्रेजेंट है? गिल्स प्रेजेंट हैं, और गिल्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा कोई अदर स्ट्रक्चर रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है। ये चीज़ हमें क्लियर है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहली बात जो की जाती है श्वसन तंत्र में, वो ये है कि इनके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। तो पहले हम एयर ब्लैडर के स्ट्रक्चर को देख लेंगे, एंड देन उसके बाद हम गिल्स को कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से गिल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये बात हम एयर ब्लैडर की करते हैं। सबसे पहली बात कि क्योंकि हम बोल रहे हैं कि एयर ब्लैडर हैं, तो एयर ब्लैडर जो स्ट्रक्चर है वो क्रीसेंट शेप का कुछ स्ट्रक्चर होता है, जो कि किसके ऊपर प्रेजेंट है, जो इंटेस्टाइनल बल्ब है उसके ऊपर की तरफ इसकी प्रेजेंस देखी जाती है। इंटेस्टाइनल बल्ब रीजन हमने स्टडी किया था, उसके ऊपर एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, अधर भाग में, वर्टिब्रल कॉलम के अधर भाग में उपस्थित होता है, यानी कि वेंट्रल टू वर्टिब्रल कॉलम ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। पोजिशन की बात कर रहे थे, तो इसकी पोजिशन है अभी हमने देखा इंटेस्टाइनल बल्ब के ऊपर, यानी कि अपर रीजन की तरफ, राइट, अपर रीजन में प्रेजेंट है। इसी के साथ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने देखी कि ये वेंट्रल है वर्टिब्रल कॉलम के, और ये एयर ब्लैडर दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, राइट। टू पार्ट्स में इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। एक रीजन है अपर रीजन, यानी कि एंटीरियर पार्ट, अग्रभाग। एक है पोस्टीरियर रीजन, यानी कि पश्च भाग। और इन दोनों रीजन्स को सेपरेट करने वाली जो लेयर है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स लेयर, राइट। ये ट्रांसवर्स लेयर इन दोनों को सेपरेट करती है, अग्र और पश्च भाग को, यानी कि इंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन्स को सेपरेट करती है। पहली बात, एंटीरियर रीजन जो है वो थोड़ा छोटा भाग है,
पोस्टीरियर रीजन लार्ज पार्ट है, ठीक है, तो अनइक्वल डिवीजन यहां पर ट्रांसवर्स लेयर के थ्रू होता है। अब एंटीरियर रीजन और पोस्टीरियर रीजन के दोनों के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जैसे अग्रभाग जो है, एंटीरियर रीजन जो है, ये क्या करता है, सेपरेशन का काम करता है, यानी कि ब्लड जो प्रेजेंट है, राइट, ब्लड से ये किसको सेपरेट करेगा, किसको अलग करेगा, गैसेस को अलग करेगा, यानी कि ऑक्सीजन, CO2 एंड नाइट्रोजन, इन तीन गैसेस को ये ब्लड के थ्रू सेपरेट करता है, अलग करता है, ठीक है। अलग करके क्या करता है, ये इनको एयर ब्लैडर में ही ले आता है और यहीं पे आके स्टोर करवाता है, क्लियर है। पोस्टीरियर पार्ट की ही जब हम बात करते हैं तो इसके जस्ट रिवर्स है ये, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का जो फंक्शन है उसके रिवर्स फंक्शन करता है, बिल्कुल अपोजिट फंक्शन ये परफॉर्म करता है। जब रिवर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं, हमने बोला उल्टा फंक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में है फंक्शन, तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ ऑब्जर्व होती है कि क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में फंक्शन है तो इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन का, यानी कि ये गैसेस को एयर ब्लैडर से पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब भी करा सकता है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन का काम होगा किसकी, एब्जॉर्प्शन का, गैसेस के एब्जॉर्प्शन का, ऑल राइट। और यहां पर सेपरेशन का काम है किसके सेपरेशन का, गैसेस के सेपरेशन का, यानी कि एयर ब्लैडर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंटीरियर अग्रभाग और पोस्टीरियर पश्च भाग। पोस्टीरियर पार्ट जो है एब्जॉर्प्शन कर रहा है गैसेस का, यानी कि पूरी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, एंड एंटीरियर भाग जो है ये पूरी बॉडी से, ब्लड से गैसेस को सेपरेट करके इसमें ला रहा है एयर ब्लैडर में और स्टोर करवा रहा है, रिवर्स फंक्शन। नाउ इंटीरियर एक और टर्म पढ़ेंगे हम, हाइपोस्टोमस, राइट। अब ये टर्म क्या बताती है कि जो एंटीरियर रीजन है उसमें न्यूमैटिक डक्ट पाई जाती है एयर ब्लैडर की, ठीक है, और ये न्यूमैटिक डक्ट की जो ओपनिंग है वो ईसोफेगस के भी अग्रभाग में, यानी कि एंटीरियर भाग में ओपन होती है, ठीक है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं कि न्यूमैटिक डक्ट जो कि इसकी डक्ट है, इसकी नलिका है, वो ओपन हो रही है, खुल रही है ईसोफेगस में, ठीक है, तो उन स्ट्रक्चर्स को हम हाइपोस्टोमस बोलते हैं, या उन फिशेस को हम हाइपोस्टोमस फिशेस नेमिंग देते हैं। नाउ एयर ब्लैडर को हम स्विम ब्लैडर भी कह सकते हैं क्योंकि ये स्विमिंग में भी हेल्प कर रहा है, राइट, एंड इसको हम हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन भी बोलते हैं, ठीक है, कि ये वाटर को स्टेटिस्टिक ऑर्गन बोल रहे हैं, स्टेटिक यानी कि वाटर के थ्रू भी इसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, हाइड्रोस्टेटिक है, वाटर के लिए भी स्टेटिक है, इवन वाटर अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, फिर भी मेंटेन करके रख रहा है, यानी कि बॉडी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको मेंटेन कर रहा है। कैसे मेंटेन कर रहा है, वाटर के और एयर के जो कंपोजिशंस हैं, राइट, और एब्जॉर्प्शंस हैं और सिक्रीशंस हैं उन प्रोसेसेस के थ्रू, यानी कि हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन बोल रहे हैं मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेंटेन कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, वहाँ पे कैसे कर रहा है, एयर के एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन प्रोसेसेस के थ्रू। यहाँ सिक्रीशन सेपरेशन हो रहा था, राइट, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सो इस बेसिस पर यहाँ पर मेंटेन करके चलते हैं ये दोनों प्रोसेसेस के थ्रू, इसलिए हमने इन्हें नेम दिया है हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन।
नेक्स्ट, इसके अलावा हमने बोला रेस्पिरेशन में तो इनका हेल्प है ही, रेस्पिरेशन प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, इनमें हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ ये साउंड प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है आवाज़। इसके अलावा स्पीच में हेल्प करते हैं कि स्पीच कैसे बाहर की तरफ आ पा रही है, राइट। रेस्पिरेशन के साथ साथ गिल की एक्टिविटीज़ में भी हेल्प करते हैं, सो राइट, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। सो इस टाइप से एयर ब्लैडर के डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं, और उन फंक्शंस की हमने यही बात की कि रेस्पिरेटरी फंक्शंस हैं, और इसी के साथ सेंसरी फंक्शंस भी ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है, सेंस कर सके हर चीज़ को, कितना एयर कंटेंट है, कितना एब्जॉर्ब करना है, कितना बाहर की तरफ सिक्रीट करना है, सो इस तरह से सेंसरी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और रेस्पिरेटरी में भी गैसियस फंक्शंस हैं, तो गैसियस एब्जॉर्प्शन, गैसियस सिक्रीशन, गैसियस रिजॉर्प्शन मतलब वापस से एब्जॉर्प्शन, सो इस तरह की एक्टिविटीज़ को ये परफॉर्म करें। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में फर्स्ट हम बात कर रहे थे एयर ब्लैडर की, कि ये स्ट्रक्चर कैसे प्रेजेंट है। नाउ बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही। ऑर्गन्स की जब भी हम बात करते हैं तो ऑर्गन्स में हम ये बोल रहे हैं, पहली बात तो ये एक्वेटिक रेस्पिरेशन शो कर रहे हैं, यानी कि वाटर में, और ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हैं, वाटर से। तो ऑर्गन्स में हमारे गिल्स आते हैं, या हम बोल सकते हैं ब्रेंकियल रेस्पिरेशन को ये शो कर रहे हैं, क्योंकि गिल्स के थ्रू जो श्वसन क्रिया होती है उसको हम ब्रेंकियल रेस्पिरेशन नेमिंग दे देते हैं, राइट। सो इस तरह से ब्रेंकियल रेस्पिरेशन को ये शो करते हैं। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ देखने को मिलती है कि हम देखेंगे यहाँ पर गिल्स के स्ट्रक्चर, गिल्स कैसे प्रेजेंट है। सबसे पहले पोजीशन की बात करेंगे तो पोस्टीरियर यानी कि पश्च भाग में, फेरिंग्स में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पोजीशन हमें पता चल गई, पोस्टीरियर फेरिंग्स में ये प्रेजेंट हैं, फोर पेयर्स में हैं, यानी कि एट गिल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फोर पेयर्स में इनके बीच में जो स्पेस होगा उस स्पेस को हम कहते हैं गिल स्लिट्स, राइट। उस स्पेस को हम गिल स्लिट्स नेमिंग देते हैं, ऑलराइट। नाउ इन गिल स्लिट्स में क्योंकि बीच में गैप है तो वहाँ से मूवमेंट शो हो सकता है। अब ये फोर पेयर्स जो हैं ये बाहर की तरफ ओपरक्यूलम से कवर्ड रहते हैं, राइट। ये कवर्ड हैं बाहर की तरफ से ओपरक्यूलम के थ्रू, और ओपरक्यूलम कवरिंग यहाँ पर ऑब्जर्व की जाती है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे ओवरक्यूलम से कवरिंग है, तो यहाँ पर गिल सपोर्ट के लिए गिल रॉड्स जैसे स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट रहेंगे जो कि सपोर्ट करते हैं ओपरक्यूलम के थ्रू बाहर की तरफ गिल ओपनिंग होती। नाउ क्योंकि यहाँ पर एक और चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो ये है कि गिल्स जो हैं क्योंकि पोस्टीरियर फेरिंग्स में प्रेजेंट हैं तो ये ईसोफेगस में, राइट, या हम बात करते हैं इसके ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट है, एंटीरियर फेरिंग्स रीजन, ठीक है। फेरिंग्स का ही अग्रभाग उपस्थित है जहां पर हमने बोला था मेस्टिकेटरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, टीथ जैसे ऑर्गन्स अरेंज्ड हैं।
तो यहाँ से फूड, क्योंकि इसोफेगस में लाना है, इसके अंदर एंटर नहीं कराना, इसलिए यहाँ पर गिल रेकर्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट? गिल रेकर्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, और ये रेकर्स हार्ड सब्सटेंसेस हैं जो कि एंट्री नहीं करते फूड की, कहाँ पर? यहाँ पर, ठीक है? फूड को एंटर नहीं होने देते, डायरेक्ट इसोफेगस में लेकर आते हैं, ओपन नहीं रहते, ये क्लोज हो जाते हैं, इसलिए हमने बोला है इन्हें गिल रेकर्स, ठीक है? नाउ गिल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो गिल फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर शो करता है, यानी कि इनमें जो टिलियोस्ट फिशेस हैं, क्योंकि ये टिलियोस्ट फिश है, तो इनमें फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर्स ही होंगे। बाकी इसके अलावा जैसे स्कॉलियोडॉन की बात करते हैं, डिफरेंट जो फिशेस होती हैं उनमें लैमेलिडन्स या लैमेलिडेंस, लैमेला लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। फिलीफॉर्म गिल्स का मतलब ये हुआ कि जो गिल्स हैं वो अंदर की तरफ हैंग कर रहे हैं, और लैमिला जो है, या हम बोल सकते हैं इंटरब्रैंकियल जो सेप्टम है उसके थ्रू ये सेपरेटेड है, इंटरब्रैंकियल सेप्टम। ब्रैंकियल मतलब गिल्स, इंटर मीन्स गिल्स के बीच में एक सेप्टम यानी कि कैनाल टाइप प्रेजेंट है, और ये सेप्टम काफ़ी स्मॉल है, बहुत छोटी है, पतली है, जो कि इनके बीच में प्रेजेंट रहेगी, इसलिए हमने इन गिल्स को नेम दिया है फिलीफॉर्म टाइप के गिल्स, हमारी लेबियो के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, राइट? और ये स्ट्रक्चर्स को शो करते हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर्स अरेंज्ड होने चाहिए। ओपरक्यूलम के ऊपर की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक बोनी प्लेट भी प्रेजेंट रहती है, बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जो कि कवरिंग की तरह वर्क करता है। फिश की इन जनरल देखते हैं, ये ओपरक्यूलम पार्ट है, ठीक है? ये कवरिंग होती है, इस ओवर ओपरक्यूलम को ये आईज हो गई, ये हेड रीजन हो गया, ये नेजल पैसेज हो गया, राइट? या नेजल हो गए, एक्सटर्नल लेयर्स हो गए। यहाँ पर ओपरक्यूलम को हटा देते हैं हम, तो हमें यहाँ पर गिल की डिफरेंट टू रोज में अरेंज्ड गिल्स, और इसके साथ हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पर इस तरह से इसके नीचे की तरफ ऑब्जर्व होते हैं। कुछ एक स्ट्रक्चर सीडो गिल्स का भी प्रेजेंट होता है, जो कि फिफ्थ गिल की तरह यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है? तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर यहाँ पर है, और ये स्केल्स यहाँ पर आ गए। ठीक है, सो ये स्केल्स हैं, ये ओपरक्यूलम को हटाने के बाद ब्रेंकियल चैम्बर है, ठीक है, जो कि यहां पर प्रेजेंट है। इस चैम्बर के अंदर गिल्स अरेंज्ड होंगे, और जब गिल्स के अरेंजमेंट को देखते हैं हम, तो इस तरह का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। और इसी अरेंजमेंट में हमें एफरेंट वेसल्स और इफरेंट वेसल्स भी देखने को मिलेंगी। एफरेंट जो कि ब्लड को लेकर आ रही है, इफरेंट जो कि यहाँ से लेकर जा रही है, ठीक है? तो इस तरह से एफरेंट और इफरेंट वेसल्स हमें ऑब्जर्व होगी, ठीक है? इसी के साथ ये ब्रेंकियल चैम्बर के अंदर
ये हम देखेंगे कि डिफरेंट गिल्स लैमेला के थ्रू अटैच हैं। तो ये क्या हैं? गिल्स और गिल प्लेट्स, ठीक है। सो ये गिल्स के स्ट्रक्चर्स हमें इस टाइप से दिखते हैं और इनमें एफ्रेंट इफ्रेंट वेसल्स भी ऑब्जर्व होती है, देखी जाती। नाउ दूसरी बात करते हैं, जब हम गिल्स का इसी तरह से स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये लैमेला लाइक अरेंज्ड रहते हैं, ठीक है, और लैमेला लाइक इनका अरेंजमेंट ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, ये हुई एफरेंट वेसल, ये हुई इफरेंट वेसल, यानी कि एक आने वाली एक जाने वाली, और ये लैमेलाज इस तरह से यहाँ पर लैमेला फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। ऑलराइट, तो ये हम कहलाते हैं गिल लैमेला, ठीक है। ये एफ्रेंट इफ्रेंट और लैमेलास कैसे हैं? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स में इस तरह से अरेंज्ड रहते हैं। सो ये हमारी बात होती है गिल्स की, कि किस तरह से गिल्स यहाँ पर प्रेजेंट है और गिल्स किस टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है वो ये शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म के, कि इसके अंदर टू टाइप के मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, राइट, रेस्पिरेशन में। ये तो ऑर्गन की बात थी, ठीक है, अब मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। मैकेनिज्म की बात करते हैं तो इसमें टू टाइप के मैकेनिज्म होते हैं। फर्स्ट होता है इंस्पायरेशन, इंस्पिरेशन, सेकंड होता है एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन, इंस्पायरेशन का मतलब होता है कि एयर को अंदर लेना, ठीक है, एयर इन, और एक्सपायरेशन का मतलब होता है एयर आउट, यानी कि एयर को बाहर की तरफ रिलीज करना, कि किस तरह से एयर आउट होती है। तो इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन इस तरह से दो टाइप के हमें स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। दूसरी बात कि हम बोलते हैं कि ये जो गिल स्ट्रक्चर्स हैं ये हेमीब्रैंक्स हैं, राइट, यानी कि हम बोल रहे हैं ये हेमीब्रैंक हैं, तो हेमीब्रैंक 8 होंगे, और अगर हम बोलते हैं होलोब्रैंक हैं तो हम 4 होलोब्रैंक्स बोलेंगे। हेमीब्रैंक अगर हम बोलते हैं कि गिल है तो हम बोलेंगे 8 है, ठीक है। होलोब्रैंक बोलते हैं यानी कि कंप्लीट गिल है तो हम बोलेंगे कि 4 कंप्लीट गिल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, इसी को हम कंप्लीटली बोलेंगे, तो 4 गिल्स हम नेमिंग देते हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज यहाँ पर प्रोसीड करती हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन की, यानी कि अंतःश्वसन और उच्च श्वसन। फिश के स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो है आगे की तरफ
ये माउथ है, लिप है, ठीक है। तो हमने बोला ये माउथ है, ये ओरल वाल्व है, कपाट की तरह है, ओरल सरफेस पर प्रेजेंट है इसलिए हमने ओरल वाल्व बोला है। राइट इस तरह से पहली बात तो हमने बोली फिलीफॉर्म गिल्स हैं, ये मैंडिब्यूलर स्ट्रक्चर हैं, ये हाइओइड बोन्स की तरह हाइओइड स्ट्रक्चर हैं, वो मैंडिब्यूलर बोन्स की तरह बोनी स्ट्रक्चर हैं। ये गिल्स हैं, गिल्स ओपरक्यूलम के द्वारा कवर्ड रहते हैं, बीच में जो स्ट्रक्चर होंगे गैप होगा उन्हें हम बोलेंगे गिल स्लिट्स, बीच में प्रेजेंट रहेंगी। और ये होगा ब्रैंकियल आर्क, यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। ये जो है ये अभी के टाइम पे क्लोज्ड हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे क्लोज्ड ब्रैंकियल अपर्चर, ठीक है, क्लोज्ड ब्रैंकियल अपर्चर। और यहाँ पे एक मैम्ब्रेन प्रेजेंट होगी जो कि ओपरक्यूलम से अटैच्ड होती है, उसे हम बोलते हैं ब्रैंकियोस्टीजियल मैम्ब्रेन। ब्रैंकियोस्टीजियल मैम्ब्रेन प्रेजेंट होगी यहाँ पर जो कि ओपरक्यूलम से जस्ट अटैच्ड है, ठीक है, इससे कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। सेम स्ट्रक्चर, ये तो हमने इंस्पिरेशन का बनाया है, सेम स्ट्रक्चर हमारा आता है एक्सपायरेशन का, राइट इसी तरह हम बना लेते हैं। ये ओरल वाल्व हैं जो कि अभी क्या हो चुके हैं, क्लोज्ड हो चुके हैं। इसी के साथ यहाँ पे सेम हमें वही मैंडिब्यूलरी एंड हायोइड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हमें इसी टाइप से अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ये अब जो चैम्बर हैं ये ओपन ब्रैंकियल चैम्बर है, बाकी सब सेम है, ओपन ब्रैंकियल चैम्बर प्रेजेंट है दोनों जगह पर, ठीक है। और ओरल वाल्व क्लोज है, बाकी स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो हमें सेम ही ऑब्जर्व होंगे, वही चार गिल्स दोनों साइड में अरेंज होंगे, ब्रैंकियल चैम्बर होगा, राइट right? तो इस तरह से हमें स्ट्रक्चर दिखेगा। अब बात करते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में क्या डिफरेंस है। इंस्पिरेशन का मतलब है एयर अंदर जा रही है वाटर के थ्रू, ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड एयर अंदर जाएगी और जो बाहर निकलेगी वो कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें ज़्यादा होगी, डी ऑक्सीजनेटेड एयर बाहर की तरफ रिलीज होगी। नाउ क्योंकि हम बोल रहे हैं ये जो सिस्टम है ये सक्शन टाइप सिस्टम है, ठीक है, तो जैसे ही एयर अंदर आएगी तो ओरल वाल्व क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, तभी एयर अंदर आ पाएगी। फेरिंग्स के
पश्च भाग में आएगी। यहाँ पर पश्च भाग में आने के बाद गिल्स के ऊपर से यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहाँ पर ये जो ब्रैंकियल अपर्चर है ये यहाँ पे अब भी क्लोज रहेंगे, ये छिद्र जो कि ब्रैंकियल के साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो वाटर के साथ एयर आ रही है, वाटर गिल्स के ऊपर से फ्लो करते हुए आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो इंस्पिरेशन में क्लियर है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है वाटर के साथ, ये वाल्व ओपन हो जाएगा, ये क्लोज रहेंगे छिद्र अपर्चर्स और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, ओरल वाल्व तो क्लोज हो जाएंगे, ये बंद हो जाएंगे, और एक्सपायरेशन में ब्रैंकियल चैम्बर जो है वो ओपन हो जाएगा और वाटर बाहर की तरफ यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। वाटर बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा। तो इंस्पिरेशन में हम यहाँ पर वाटर स्टोरेज देख रहे हैं, ऊपर से वाल्व क्लोज होने के बाद प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होने के कारण ये चैम्बर्स, ये अपर्चर्स जो हैं जिन्हें हम छिद्र बोल रहे हैं, ये छिद्र खुल जाएंगे एंड वाटर की एंट्री बाहर की तरफ हो जाएगी, वाटर बाहर रिलीज आउट हो जाएगा। एक्सपिरेशन में एयर आउट जारी है तो CO2 बाहर जाएगी, ठीक है। अब प्रोसेस देख लेते हैं कि प्रोसेस किस तरह से वर्क करता है। वाटर की एंट्री हुई यहाँ से माउथ से, ओरल वाल्व ओपन हुए, गिल्स के ऊपर से वाटर फ्लो करते हुए आएगा, गिल्स को क्या देगा, ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई गिल्स को देगा। तो हमने बात की वाटर एंट्री, वाटर एंट्री के बाद ओरल वाल्व ओपन, गिल्स की तरफ जाएगा, गिल्स के ऊपर से फ्लोट करेगा, यानी कि ऑक्सीजन गिल्स को दे रहा है, और ऑक्सीजन गिल्स को देते ही क्या होगा, ये गिल्स की तरफ ऑक्सीजन लेकर आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एफरेंट वेसल की, तो ये एफरेंट वेसल क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, ठीक है, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है, और क्योंकि गिल्स की तरफ लेकर आ रही है इसलिए हम बोल रहे हैं इसको कि एफरेंट वेसल है, गिल्स की तरफ लेकर आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब गिल्स की जो इनर मेम्ब्रेन है वो काफ़ी वैक्यूलेटेड है, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे वेसल्स प्रेजेंट हैं और उन वेसल्स में गैशियस एक्सचेंज होता है, यानी कि ब्लड तो फ्लो कर रहा है, हम बोल रहे हैं वेसल्स तो हैं ही, प्लस वैस्क्यूलेटेड भी है, ठीक है, वैक्यूलेटेड नहीं वैस्क्यूलेटेड है। तो वैस्क्यूलेटेड होने का मतलब है कि वेसल्स प्रेजेंट हैं, और वेसल्स प्रेजेंट हैं इसका मतलब यहाँ पर ब्लड जो है आएगा और यहाँ पर गैशियस एक्सचेंज होगा, बहुत बिल्कुल थिन मेम्ब्रेन होगी इसके अंदर से, ठीक है, बिल्कुल पतली सी मेम्ब्रेन, झिल्ली नुमा होगी जहाँ पर गैस का एक्सचेंज ईजिली हो सकता है। तो हमने बोला यहाँ पर CO2 वाला ब्लड O2 ले रहा है, ठीक है, गिल्स तक O2 आ रहा है वाटर के थ्रू, तो CO2 यहाँ पर आएगा, गैस का एक्सचेंज होगा, O2 तो गिल्स के थ्रू बाहर रिलीज हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा, और CO2 तो रिलीज हो गया। अब O2 जो है वो अंदर की तरफ जाएगा, यानी कि यहाँ से एफरेंट वेसल्स जाएंगी जो कि पूरी बॉडी में जाएंगी, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएंगी। तो इस तरह से मैकेनिज्म यहाँ पर वर्क कर रहा है, ठीक है। वाटर आया, गिल्स को दिया उसने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देते ही ऑक्सीजन गिल्स ले रही है, और वहाँ से एफरेंट वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई कर रही हैं, यहाँ से वाटर एंटर बाहर हो गया, बाहर वाटर रिलीज हो गया। अब एफरेंट वेसल्स ने तो ऑक्सीजन दे दिया, एफरेंट वेसल्स गिल्स की तरफ जो आ रही हैं वो क्या कर रही हैं, CO2 ला रही हैं, एक्सचेंज करा रही हैं, CO2 को बाहर रिलीज कर रही हैं, एक्सपायरेशन करवा रही। अब एक चीज़ हम ये बोलते हैं कि मोस्टली फिशेस ये जो हैं, ये फिशेस
ऑक्सीजनेटेड वाटर में रहती हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन में इन्हें जितना भी ऑक्सीजन मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, वाटर से ही मिल रहा है। सो ऑक्सीजनेटेड वाटर में इनकी प्रेजेंस देखी जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये फिशेस, इन फिशेस को अगर ऑक्सीजनेटेड वाटर नहीं मिलता है या ऑक्सीजन का लेवल वाटर में काफ़ी कम होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का वाटर या तो काफ़ी कम है या ऑक्सीजनेटेड वाटर उनको नहीं मिल पा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, फिश डाई कर जाती है, उस वाटर में, उस सराउंडिंग में सर्वाइव ही नहीं कर पाती, उसकी सर्वाइवल रेट जो है वो डिक्रीज हो जाती है, या ऐसे वाटर से फिशेस को बाहर निकाल लिया जाता है कि कहीं पहले ही वो डेथ की तरफ नहीं चले जाए, इसलिए हम लोग उन्हें बाहर रिलीज़ कर लें। लेकिन कई बार पता नहीं चलता है इकोलॉजिस्ट को, तो सर्वाइवल रेट डिक्रीज़ हो जाती है, डाई हो जाती है। और ऐसी कंडीशन जहाँ पे ऑक्सीजन की वॉल्यूम कम है, ठीक है, फिश रेस्पिरेशन नहीं कर पा रही, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एस्फिक्सिएशन, राइट। एस्फिक्सिएशन ऐसी कंडीशन है जहाँ पर फिशेस सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, उनका सर्वाइवल प्रॉपरली नहीं हो पाता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर में काफ़ी कम है, यानी कि बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ वाटर के अंदर मिक्स्ड अप हैं, और ये इम्प्योरिटीज़ वाटर में क्योंकि प्रेजेंट हैं तो वहाँ पर ये इनको सर्वाइव नहीं करने देगी। CO2 का लेवल इसका मतलब हो गया कि हाई है। तो इस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात की कि कैसे गिल्स प्रेजेंट हैं, कैसे उनके स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे उनकी अंदर मेम्ब्रेन है जो कि वेस्क्यूलेटेड है। वहीं सेकेंड पार्ट में हमने इसके मैकेनिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, दोनों डायग्राम्स के साथ शो किया कि एक में ओरल वाल्व ओपन है तो ये वाला अपर्चर क्लोज्ड है, एक में ओरल वाल्व क्लोज है तो ये वाला अपर्चर ओपन हो जाता है। एंड थर्डली हमने इसके प्रोसेस को देखा कि किस तरह से सक्शन प्रोसेस है एंड रेस्पिरेशन कंटिन्यू वहाँ पर होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी प्रोसेस। इम्पॉर्टेंट रोल एयर ब्लैडर भी यहाँ पर प्ले करता है, क्योंकि साउंड प्रोडक्शन कर रहा है वो, इसी के साथ सेंसरी जो प्रोडक्शन है, सेंसरी का भी फर्क कर रहा है, गैसियस एक्सचेंज कर रहा है, गैसेस का एब्जॉर्प्शन एंड इनका बाहर एक्सक्रीशन, इसी के साथ उसका रेस्पिरेटरी फंक्शन भी है एयर ब्लैडर का। एयर ब्लैडर में जाके एयर स्टोर हो सकती है, O2, CO2 एंड नाइट्रोजन को वो फिल्टर कर लेता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है, ताकि स्विमिंग के टाइम पे भी हेल्प हो सके, एंड इफ़ बॉडी को नीड हो तो वहाँ से भी एयर का सप्लाई किया जा सके, एज एन एक्सेसरी ऑर्गन वहाँ पर ये प्रेजेंट रहता। सेकेंडली गिल्स की हमने बात कर ली कि गिल्स यहाँ पर फिलीब्रैंकियल टाइप के होते हैं, फिलीब्रैंकियल टाइप हमने डिस्कस कर लिया। तो मेन बात यही है कि एयर ब्लैडर एक ऑडिटरी की तरह भी वर्क कर सकता है, फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम एयर ब्लैडर को भी कंसिडर करते हैं।